यूपी में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद प्रदेश की सियासत का तापमान चरम पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही तमाम पार्टियों में भागदौड़ की स्थिति बनी हुई है। रोजाना प्रदेश की सियासत का तापमान बदल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के कद्दावर नेता और बसपा के मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा ने बीएसपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रंगनाथ मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भदोही जिले की सियासत में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि रंगनाथ मिश्रा भदोही जिले के औराई के रहने वाले हैं। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रंगनाथ मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। रंगनाथ मिश्रा के बीजेपी ज्वाइन करते ही कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और कालीन नगरी की सियासत में बदल गई। ऐसे ही में उम्मीद जताई जा रही है कि ब्राह्मण चेहरा होने के चलते रंगनाथ मिश्रा को बीजेपी ज्ञानपुर या भदोही विधानसभा सीट में टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो रंगनाथ मिश्रा को भदोही विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। रंगनाथ मिश्रा के सियासी सफर की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा 1993 में औराई सीट से जीतकर विधायक बने और 1996 में भाजपा ने ही रंगनाथ मिश्रा को ऊर्जा मंत्री का दर्जा दिया, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़कर बीएसपी का दामन थामा और 2007 में चुनाव जीतकर बसपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री बन गए। 2017 में विधानसभा चुनाव में रंगनाथ मिश्रा ने भदोही विधानसभा सीट से बीएसपी के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में बीजेपी विधायक रविन्द्र त्रिपाठी 2017 से जीत दर्ज किए थे। आज यानी शनिवार 29 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने के बाद रंगनाथ मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रंगनाथ मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीएसपी के कद्दावर नेता के बीएसपी छोड़ने के बाद रंगनाथ मिश्रा ने जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की है तो कहीं न कहीं जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।